कि घर में गुरुदेव जी बीमारियां बहुत रहती हैं क्या करें आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं तो क्या करें सबसे पहली बात आप सफाई करें घर की सफाई घर के सामान की सफाई बिस्तर की सफाई बेड को भी फिनाइल में कपड़ा भिगो करके बेड दरवाज़ा खिड़की रोज पहुँचिए कीटाणु विषाणु बैक्टीरिया वायरस ये सब नहीं रहना चाहिए घर के बाहर जो गेट है उसको भी साफ कीजिए गाड़ी को भी साफ़ रखिए गाड़ी के अंदर जो सीट कवर है उनको भी साफ़ रखिए क्योंकि बीमारी पैदा होने का कारण मुख्य रूप से गंदगी है और बीमारी आने का कारण मुख्य रूप से आलस्य है यदि आप एसी की हवा ज़्यादा खाएंगे, कूलर की हवा ज़्यादा खाएंगे, आपके शरीर में सूरज की रोशनी नहीं लगेगी आपका शरीर गर्म नहीं हो पाएगा तो आपके अंदर बीमारियां सब बैठी रहेंगी ज़्यादा बीमार होंगे पसीना के माध्यम से बीमारी निकल जाती है पानी ज़्यादा पीजिए भोजन कम कीजिए हँसीे भी हंसी खुशी का वातावरण बनाइए अनुशासन में रहिए और मांस मछली अंडा ये नशा व्यसन खाना पीना बंद करिए नशा करने से फेफड़े सब खराब हो जाते हैं किडनी भी खराब हो जाती है कितनों के लीवर खराब हो गए इसलिए नशा भी मत करिए आलसी बन करके घर में बैठे मत रहिए मेहनत करने से दो फायदा है एक तो उन्नति भी होती है और दूसरे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है शाम को ठंडी चीजें मत खाइए और सुबह जल्दी कुछ खाइए हो सके चाय काफी छोड़ दीजिए और यदि संभव है आपसे तो दलिया दलिया कभी कभी बना कर खाइए मीठी चीज़ें कम खाइए थोड़ा नारियल खाइए नारियल गर्री खाने से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जगती है गिलोय बटी है या आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं इससे सब प्रकार का बुखार है सब प्रकार की बीमारियों को ये कंट्रोल करता है तुलसी पत्ती दो पाँच रोज खा लीजिए और लंबी सांस लीजिए प्राणायाम व्यायाम कीजिए और खुश रहिए और थोड़ा कूदने वाला भी व्यायाम कर लीजिए बीमारियों का मुख्य कारण है गंदगी और गलत खान पान और बीमारियाँ किसी कारण से नहीं आती हैं कम से कम पाँच किलोमीटर पैदल चलिए पाँच किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते तो दो किलोमीटर दौड़िए और नंबर एक स्त्रियाँ जो है बहुत बीमार होती हैं वो इसलिए ज़्यादा बीमार होती हैं कि उनका बैठने का काम होता ऑफिशियल वर्क करने वाले वो भी ज़्यादा बीमार होते हैं दुकानदार बहुत बीमार रहते हैं और बैठने से बहुत बीमारियाँ पैदा होती हैं इससे सबसे पहली बात पेट ख़राब हो जाता है मोटापा बढ़ जाता है और आप सोचें हम बहुत कम खाएंगे और बीमार नहीं होंगे बहुत कम खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे बहुत कम नहीं खाना है लेकिन जो खाया है उसको एनर्जी में बदलने के लिए व्यायाम करना जरूरी है तो बीमारी मिटेगी गहरी नींद भी सोइए जो लोग गहरी नींद नहीं सोते हैं वही बीमार ज़रूर होंगे कड़ी भूख लगने दीजिए तो कड़ी भूख और गहरी नींद उन्हीं को आती है जो कड़ी मेहनत करते हैं कड़ी मेहनत करने से शरीर थक जाता है और भूख भी लगती है खूब और नींद भी खूब गहरी आती है चिंता भी मत कीजिए रात दिन सोचते रहते चिंता करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है समस्या का समाधान होता है विवेक पूर्वक डिसीजन लेकर के सही दिशा में सही पॉइंट पर काम करने से और पहले से सोचिए आप बचपन में इधर उधर घूमते रहोगे और बचपन में योग्यता हासिल नहीं करोगे जवानी में धन खोब नहीं कमाओगे मेहनत नहीं करोगे तो बुढ़ापे में चिंता के शिकार आप ज़रूर होंगे आप बहुत कम समय में ही अच्छा मकान बनाइए मेहनत करके अच्छी गाड़ी भी लाइए कुछ इमरजेंसी के खर्चा के लिए बीमारी के इलाज के लिए बेटी के विवाह के लिए आदि व्यवस्थाओं के लिए आप पैसे कमा करके जमा भी करें और सत्संग सुनते रहें प्रसन्न रहें बीमारियां आपके घर की खत्म होंगी थोड़ा पेड़ पौधे लगा लीजिए पेड़ पौधों के बीच में ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन ही जीवन है आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है पेड़ पौधे इसलिए देखिए आप दिल्ली शहर में है लखनऊ शहर में है बेंगलोर शहर में मैंने देखा और बॉम्बे में भी देखा शासन प्रशासन की ओर से वहां सिटी के हिसाब से बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं पेड़ पौधे प्रदूषण को खत्म करते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं ऑक्सीजन को शुद्ध कर देते हैं और जितनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी हमारे गुरुदेव जी हैं श्री क्षमा देव जी सौ साल उनकी उम्र है अभी भी वो बीमार नहीं होते हैं उसका कारण क्या है पहली बात यदि पानी नहीं बरस रहा है और यदि ज्यादा ठंडी नहीं है तो वह आकाश के नीचे सोते हैं छत के नीचे सोते ही नहीं है दूसरी मंजिल की छत पर खुला में सोते हैं और यदि पानी बरसता है तो बरामदे में सोते हैं यानी खुली हवा आपको मिलनी चाहिए और लंबी सांस खींचिए जोर से खींचना चाहिए इसको कम से कम से 10, 20, 50 बार दिन भर में खींच लीजिए इससे आपका माइंड ताजा रहेगा बढ़िया स्मरण शक्ति रहेगी और बीमार आप नहीं होंगे और गुरुदेव जी का आशीर्वाद लीजिए गुरुदेव जी की कृपा है आप स्वस्थ रहेंगे प्रसन्न रहिए हंसने से भी बीमारियां खत्म होती हैं हंसिए धन्यवाद इतना बहुत बता दिया मैंने